आयोग ने मंगलवार शाम को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। बिहार की 4 सीटों पर भी उपचुनाव होना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अगले महीने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 13 नवंबर को ही पड़ोसी प्रदेश झारखंड में पहले चरण की वोटिंग होनी है। इन फरीदाबाद एंड गुड़गांव इन द रिसेंटली एंड इलेक्शंस एंड दे आर द पॉशेस्ट प्लेसेस वेयर वोटिंग हैज बीन अराउंड 20%। So again, we will be doing a lot of work on this to do whatever we can do to attract the urban voters. Now, friends, coming to Jharkhand, Jharkhand एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस, झारखंड वुड बी इन 2 फेजेस। The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11th, that is Saturday. बिहार में वैसे तो अगले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही हैं। प्रदेश की उन 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे जिनके नेता सांसद चुन लिए गए हैं। इनके नाम सुदामा प्रसाद तरारी से, सुधाकर सिंह रामगढ़ से, सुरेंद्र प्रसाद बेलागंज से और जीतन राम मांझी इमामगंज से हैं। इन चारों के लोकसभा सांसद चुने जाने की वजह से ये सीटें खाली हुई हैं। अगर सीटों की बात करें तो फिलहाल 4 में से 3 सीटें महागठबंधन के पास थी, जबकि 1 सीट NDA के पास है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन के लिए सीटें बचाना आसान चुनौती नहीं होने वाला है। राजनीतिक रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने इसी महीने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी उपचुनाव में अपना दम दिखाएगी। पड़ोसी प्रदेश झारखंड की बात करें तो विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। इस बार 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे तो दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होना है। 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे ज्यादा 30 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 16, राजद को 1 और बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।